इस वक्त की बड़ी खबर सीएम योगी के मुंबई दौरे से बड़ी खबर आ रही है, जहां 5 लाख करोड़ के निवेश को लेकर यूपी लौटे हैं सीएम योगी जी। हां, सीएम योगी को मिला है करीब 5 लाख करोड़ का निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर से मिला मदद, और यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिले में खुलेगा जियो सेंटर। अडानी ग्रुप पीपीपी मॉडल पर खोलेंगे मेडिकल कॉलेज, रैमकी ग्रुप कानपुर लखनऊ के बीच बनाएगा सैटेलाइट सिटी, और टाटा संस ने आध्यात्मिक महत्व पर ऐलान किया है कि आध्यात्मिक शहर में होगी एयर इंडिया की भी उड़ान। मुंबई जाने के बाद कई बड़े ग्रुप्स के साथ बैठक की सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और काफी कुछ निवेश उत्तर प्रदेश में कर लौट रहे हैं। और आपको बता दें कि 5 लाख करोड़ का ये निवेश है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वास्थ्य सेवाएं और साथ ही साथ यातायात के लिए फ्लाइट, जो कि आध्यात्मिक शहर में होगी, जो कि टाटा संस ने ये ऐलान कर दिया है और आध्यात्मिक महत्व पर काफी जोर दिया है उन्होंने, और कहा है कि आध्यात्मिक शहर में ये एयर इंडिया की उड़ानें पहुंचेंगी। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं जेबा खान लखनऊ से हमारे सहयोगी। जेबा, जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार निवेश तो आ ही रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब मुंबई गए, जाहिर सी बात है आर्थिक दृष्टि से गए थे, और काफी कुछ निवेश वो लेकर आए। कहा जा रहा है कि 5 लाख करोड़ का निवेश लेकर वो लौटे हैं। जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री योगी हैं वो 5 लाख करोड़ का निवेश लेकर पहुंचे हैं, और रिलायंस इंडस्ट्री के मुखिया मुकेश अंबानी से भी उन्होंने मुलाकात करी है। पूरे यूपी में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उत्तर प्रदेश के गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी के जो सेक्टर है उसमें बड़े बड़े निवेश का प्रस्ताव दिया गया है। और साथ ही अडानी समूह पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना के साथ नोएडा में 10,000 युवाओं की क्षमता वाला कौशल विकास केंद्र भी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, और यही सब तमाम योजना है जो उत्तर प्रदेश के जो रोजगार के लिए जो है वो आगे बढ़ावा देने के लिए है। और इसके साथ कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो फैसिलिटीज है उनको भी बढ़ाने के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी जो है वो 5 लाख करोड़ की योजनाओं का निवेश लेकर लौटे हैं मुंबई से। जी बिल्कुल, इन्वेस्टर समिट जब भी होती है तब भी कुछ ना कुछ निवेश आता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे मुंबई और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात उन्होंने की। जिबा, आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं कई लोग, और यहाँ सिर्फ देश के ही उद्योगपति इसमें शामिल नहीं है, विदेशों के भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां और इंडस्ट्री लोग हैं वो अब उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए दीपक, अगर हम देखें पिछली सरकारों का जो दौर देखें उत्तर प्रदेश में वो बहुत बेहतर नहीं रहा है। लगातार व्यापारी जो है वो रंगदारी से परेशान रहा है। इसके अलावा जो यहाँ पे क्राइम का बढ़ता ग्राफ था और जो यहाँ पे एक तरह की अराजकता फैली हुई थी वो कहीं ना कहीं उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। और अब साथ ही जो व्यापार को लेकर बढ़ावा है, मुख्यमंत्री की जो मुख्यमंत्री योगी की जो नीतियां हैं उत्तर प्रदेश में सफल होती दिखाई पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है व्यापारियों के लिए जो ये रंगदारी की वसूली होती थी उत्तर प्रदेश में रुक गई है, अपराधी खौफ खाने लगे हैं। इसको लेकर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अब ग्रो कर रहा है, विकसित और विकास ये पहले नहीं था लेकिन अब ग्रोइंग मोड पर है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के में जो लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं और जो बाहर के उद्योगपति हैं, निवेश करने को भी इच्छुक है, और यहाँ नई आगे जो योजना है उसके नए आयाम दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया जिबा। और ये हमारे सहयोगी थे जेबा खान, इन्होंने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश कई लिहाज से, चाहे वो पॉलिसीज हो उत्तर प्रदेश सरकार की, चाहे वो क्राइम रेशियो हो, लगातार उसमें सुधार किया जा रहा है और लगातार ऐसे आयाम तैयार किए जा रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिससे बहुत सारे उद्योग अब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है इससे न सिर्फ उत्तर प्रदेश का विकास होगा, वहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा, और जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, जिससे जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की GDP में लगातार सुधार देखने को मिलेगा।